शालिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग कॉर्नर में शालिनी। सो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ Amazon से परचेज किए हुए कुछ बहुत ही ब्रांडेड, मतलब बहुत ही ब्रांडेड क्या, ब्रांडेड फूटवेयर्स का रिव्यू। इसमें मैंने बाटा, सेलो एंड कैचवॉक के फुटवेयर कलेक्ट किए हैं। सो इन सभी का रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। इन केस अगर आपको आज के प्रोडक्ट में से कोई भी फुटवेयर पसंद आता है, आप उसको परचेज करना चाहते हो, इन सभी का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो सिंपली आपको लिंक पर टैप करना है एंड आप इजीली इनको, इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो। सो बिना देरी के करेंगे हम अपने आज के फुटवेयर्स का रिव्यू। सो ये जो भी मैं फुटवेयर आप सभी को शो करूंगी ना, सभी को मैंने यूज किया है, उसके बाद मैं आपको रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ब्रांड न्यू ओपन किया देन रिव्यू शेयर किया, उसमें आपको खुद मुझे नहीं क्लियर हो पाता है बहुत टाइम पे। तो इस बार मैंने सारे प्रोडक्ट को यूज़ किया है 4 से 5 बार, देन मैं आपको रिव्यू शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगी बाटा से। मैंने ये लिया है बाटा से, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो उस पे देखा होगा मुझे इस फुटवेयर को बहुत ज़्यादा पहनते हुए। बिकॉज रीज़न है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली मैंने इसे पिक किया था। सो अगर आप डेली बेसिस के लिए कुछ चाहिए, बाहर निकलते हो एंड या फिर ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहाँ पे आपको कुछ कंफर्टेबल एंड स्मार्ट सा पहनना है ना, तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये आपको आई थिंक 1 इंच का मिल जाएगा इसके अंदर हील्स। सो ये पहना हुआ है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे निकला हुआ दिख सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 1.5 से 2 महीने मैंने इसे कंटिन्यू यूज़ किया है, देन मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा सा वर्क मिल जाएगा 1.5-2 महीने यूज़ करने के बाद। इसमें बिल्कुल भी शाइन कम नहीं हुई है या फिर इसके जो भी वर्क है वो बिल्कुल भी नहीं निकले हुए हैं। ब्राउन कलर में मैंने पिक किया है, इसमें एक कलर ऑप्शंस और भी है तो आप एक बार चेक कर लेना। ये जो भी आपको मिल रहा है ना, प्योर लेदर का मिल रहा है ऊपर का पार्ट, ये समथिंग डिफरेंट टाइप का है, फैब्रिक टाइप का है, इसे पोंछ दो तो इस पर शाइन नहीं आ जाता, इस तरीके का है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये पतले पतले से स्ट्रिप्स, ये टोटल आपको मिल जाएंगे इलास्टिक स्ट्रिप बेस के, तो पहनने में काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग बन रही है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रह रहा है एंड काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन भी आपको मिल जा रहा है। सो इस तरीके का है, पीछे आपको 1 इंच का ही हील मिलेगा जो काफ़ी कंफर्टेबल होता है डेली बेसिस के लिए। नीचे का जो है आपको थोड़ा सा गंदा दिखेगा बिकॉज मैंने यूज़ किया है। नीचे का जो इसका बेस मिलेगा वो प्लास्टिक का है, तो बहुत अच्छी सी चलने में आपको ग्रिपिंग मिल रही है, काफ़ी स्पंजी सा है, कम्फर्टेबल है। ये बोलते ना ऐसे ऐसे तोड़ के दिखाने पर ये बिल्कुल नहीं टूटने वाला है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है एंड काफी कंफर्टेबल एंड काफी शोअर सा पीस है। सो दिस इज माय फर्स्ट फुटवेयर, मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। फुटवेयर पिक किया है, इसे मैंने लिया है सोटोफिया बाय दो भाई ब्रांड से एंड ये एक एथनिक लुक वाला आपको फुटवेयर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको आई थिंक 2 इंच का मिल, 2 से 1.5 इंच के अप्रॉक्स में आपको हील्स प्रोवाइड हुए हैं। ये आपके साड़ी के साथ, आपके सूट के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, काफ़ी एथनिक सा लुक मिल जाएगा। वेबसाइट पे भी बहुत स्मार्ट दिख रहा था एंड सबसे अच्छी चीज़ इसकी ना, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है पहनने पर। ऐसा नहीं है कि आप इसको पहन के काफ़ी लंबी दूरी तय भी कर सकते हो, चलने के लिए भी काफ़ी कम्फर्टेबल है एंड यहाँ पर आपको ये पूरा मिल जाएगा सीक्वेंस के वर्क के साथ। ये पूरी जो है ना एम्ब्रॉयडरी की हुई है, यहाँ पे गोल्ड कलर का आपको ये कुछ डिफरेंट सा डिज़ाइन करके दिया हुआ है हील्स में एंड यहाँ पे आपको थंब के लिए मिल जाएगा। तो टोटल ये एथनिक पीस है, बहुत सुंदर लग रहा था पहनने के बाद। यहाँ पे आपको इसके थंब वाले एरिया में ना ये छोटे छोटे से नक का वर्क करके दिया हुआ है, जो बहुत सुंदर एंड बहुत सोवर दिख रहा है एंड किसी भी साड़ी के साथ, कुर्ती के साथ आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो आपको एक, मेरे हिसाब से आप सभी के वार्डरोब में एक इस तरीके का फुटवेयर होना ज़रूरी है, ताकि आपको एक अच्छा सा लुक मिल जाए एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली भी था एंड लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है। बैक जो है इसका, ये कुछ ग्रिपिंग नहीं दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ डिज़ाइन नहीं दिया हुआ है तो ग्रिप नहीं बन रहा है, बहुत अच्छा सा ग्रिप बन रहा है। ये भी PU करके लेदर आता है ना, उसका ये बना हुआ है, कंफर्टेबल एंड स्मार्ट सा अगर आपको चाहिए तो इसके साथ जा सकते हो। इस पर भी आपकी थोड़ी बहुत गंदगी दिख रही होगी बिकॉज मैंने जब भी ट्राई एंड सूट करती हूँ ना, तो मैं इसे पहन के करती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है एंड मोस्टली साड़ी और सूट के साथ बहुत अच्छे से चला जाता है। 37 नंबर है मेरा, आप अपने चॉइस, अपने साइज के अकॉर्डिंग एक बार चेकआउट कर लेना, साइड में ही दिया होता है। मोस्टली लोगों की शिकायत है कि फुटवेयर हमें समझ में नहीं आता है कैसे ले, तो आप जब भी कोई भी फुटवेयर चेकआउट करो ना, उसके जस्ट नीचे आपको साइज चार्ट मिलता है, तो नॉर्मल इंडियन भी दिया होता है, यूरो भी दिया होता है, तो आप अपने कंपेयर करके अपने साइज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज कर सकते हो।
सो दिस इज माई सेकेंड पीस, मूव ऑन करेंगे हम थर्ड की तरफ। सो गाइस, जो मैंने थर्ड वाला फुटवेयर लिया है, इसे भी मैंने पहना है। ये व्हाइट एंड नेवी ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट वाला फुटवेयर मिल जाएगा। इसे बाई ब्रांड मैंने जो लिया है वो खादिम्स का सेलो आता है, उससे लिया हुआ है। साइज जो है वो इसमें मेरी 5 है। एंड यहाँ पे मैं एक को उठा के शो करती हूँ आपको। यहाँ पे कुछ इन्होंने ना कुछ स्टोन वर्क करके दिया हुआ है, काफ़ी हार्ड सा स्टोन वर्क है। ये पूरा लेदर का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी स्पंज मिल रहा है जो पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बस मुझे इसका एक माइनस पॉइंट ये लगा ना कि हमें फुटवेयर रोड पर ही पहन के चलना होता है, ऐसा नहीं है कि उड़ते हुए चलना है। तो ये जो कलर दिया हुआ है ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत जल्दी जल्दी। अभी ये मैंने 3 से 4 बार पहना है और बस गाड़ी में पहन के गई हूँ आई हूँ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। इतना हाई हील्स मुझे पहन के चलने में कंफर्टेबल नहीं होता है, तो मैं ऐसे प्लेसेस पे ही पहनना पसंद करती हूँ जहाँ मुझे चलना कम हो। सो वहाँ पे ही ये इतना गंदा हो चुका है कि मुझे दिखाने में थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये वाइट बेस की वजह से मुझे ये हील्स पसंद नहीं आया है। देन इसका एक और डिमेरिट ये भी है ना, ये काफ़ी हार्ड सा है, सो अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि हाई हील्स है, तो थोड़ा सा ये स्पंजी होता तो और मज़ा आता। ऊपर का भी इन्होंने स्पंज दिया है, बट ये वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है। लुक वाइज ठीक था, बट मैं मेरे हिसाब से ना ये 10 में से 5 रेटिंग है। अगर आपको हील्स पहन के चलना अच्छा लगता है, कहने को प्लेटफॉर्म हील्स है बट ये पहनने में बहुत अनकम्फर्टेबल था। मेरे पैसे ऑलमोस्ट डूबी गए। इस पर 699 लिखा है MRP, मुझे कितने में मिला था वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो मिल जाएगा। आई थिंक कलर ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, सिंगल कलर था, बट लॉन्ग लास्टिंग है। टूटेगा तो बिल्कुल नहीं, बहुत लंबा चलेगा क्योंकि इसको देख के ही लग रहा है कि ये बहुत अजीब टाइप का है, टूटने वालों में से नहीं है। सो दिस इज माई थर्ड पीस, मूव ऑन करेंगे हम। आज की लास्ट पीस है जो फुटवेयर मैंने पिक किया, ये भी प्लेटफॉर्म हील्स का है। ये भी एथनिक वाले जो ड्रेसेस हैं उनके साथ बहुत अच्छे से जाएगा। पार्टी फंक्शंस के लिए अगर आपको परफेक्ट हील्स चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो। इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कैटवॉक से लिया हुआ है मैंने। आई थिंक 1500-1600 के आसपास में मैंने इसे, जब मैंने लिया था तो ये मुझे मिला था। सो इस तरीके का आपको बहुत ही प्यारा सा मेटेलिक यहाँ पे लुक मिल जाएगा। यहाँ पे थंब का भी लुक मेटेलिक दिया हुआ है, तो किसी भी कलर के आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से चला जाने वाला है। इसकी जो हील्स की साइज़ है, अगर आपको हाई हील्स पहनना पसंद है तो इसकी जो हील की साइज़ है वो 2.5 है। तो अगर आप कंफर्टेबल होते हो उतना हील्स पहन के चलना तो डेफिनेटली ले सकते हो। बहुत ज़्यादा स्पंजी है, पहनने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। इतना ज़्यादा हील होने के बावजूद भी ना बहुत ईजिली आप इसे कैरी कर लोगे। मैं बहुत ईजिली इसे कैरी कर लेती हूँ, कुछ अच्छा खासा डिस्टेंस भी आप तय कर सकते हो इसे पहन के। लुक बहुत अच्छा है, ब्लैक के साथ कॉपर बहुत अच्छे से जा रहा है। कलर ऑप्शंस नहीं है, तो आपको अगर ये वाला पीस पसंद आता है तो एक बार चेकआउट कर लेना। ये पूरा जो स्पंज मिल रहा है ना, ये पूरा ही स्पंजी है। नीचे के साइड में भी काफ़ी अच्छे से ग्रिपिंग है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वेलवेट टच पे दिया हुआ है, सो पैरों के लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। सो ये रहा मेरा आज का लास्ट पीस। आई होप कि वीडियो आप सबकी के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड फुटवेयर आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया होगा फुटवेयर तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आती रहूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।